दोस्तों सब्सक्राइब बटन को दबा दें और घंटे की आकार के बेल घंटी को भी दबा दें ताकि हमारे नए वीडियो आपको लगातार मिलते रहें। नमस्कार दोस्तों, धर्म रहस्य चैनल पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। एक साधिका है, इन्होंने अपना अनुभव भेजा है और ये आपके वर्ड फॉर्मेट में है, तो इसको मैं आज पढ़ता हूँ। और इन्होंने कहा है कि नाम वगैरह मेरा ना बताया जाए, तो चलिए शुरू करते हैं कि क्या इनका अनुभव रहा है और इससे हमें क्या शिक्षा मिल सकती है। जय माता दी। गुरुजी, मैं अपना नाम नहीं बताना चाहती, मैंने आपसे कुछ पूछना है। 5 साल पहले मैं माता का पाठ करती थी, दुर्गा कवच, अर्घला स्त्रोत और कीलक, इन तीनों का ही किया करती थी। 3 संध्या, सुबह 5 बजे, दोपहर 11:40 पर और रात को दिन छिपे। यह पाठ मैंने कोई साधना के तौर पर नहीं किए थे, सिर्फ माता के नवरात्रे में ही करने थे। मुझे श्राद्ध भाव से जैसे नवरात्रि खत्म हुई, मुझे लगा पाठ करते रहना चाहिए। ऐसे ही मैंने 6 महीने पाठ किए और 6 महीने बाद मैं दूसरे घर में चली गई, मतलब दूसरा मकान ले लिया। वहाँ गई, एक दिन मैंने पाठ किया और मैं बीमार हो गई। उसके बाद मेरे पास जो है छूटने लगे, जैसे कि कोई मुझे छोड़ने को तैयार नहीं। एक दिन घर के दहलीज पर बैठी हुई थी, अचानक दिल ढलने पर मुझे बहुत तेज दर्द हुआ। ये बता रही हैं कि इनके शरीर में पसीना वगैरह आने लगता था और बड़ी परेशान हो जाती थी, तो फिर इनकी तबीयत खराब हो गई। मैंने उस दिन पाठ भी नहीं किया था, इतनी ज़्यादा मेरी तबीयत खराब हो गई कि मैं बेड से उठ भी नहीं पा रही थी। मेरी कमर, रीढ़ की हड्डी में भी बहुत ज़्यादा दर्द था। फिर मैं अपने पति को रो रो कर कहने लगी कि नहीं जाऊंगी या भेजूंगी। आज अगले दिन मैंने पाठ फिर से शुरू किया। ऐसे मेरे एक दिन छूट जाता था पाठ और फिर 1-2 दिन बाद में कर लेती थी दोबारा। ऐसा करीब 15 से 20 दिन तक चलता रहा। एक दिन शाम के समय में टाइम में पाठ कर रही थी। बात करने के बाद माता रानी से हाथ जोड़कर मैंने प्रार्थना की। आंखें मेरी बंद थी। प्रार्थना करने के बाद जैसे ही मैंने अपनी आंखें खोली, माता रानी को देखा तो मुझे लगा कि मेरे पास कोई औरत बैठी हुई है जिसने सलवार सूट पहना हुआ था, सिर पर लाइट कलर की क्रीम टाइप कलर चुन्नी या छुट्टी हुआ दुपट्टा वगैरह पहना हुआ था। उनके सूट का कलर ब्राउन लाइट ग्रेनाइट जैसा था और कोई बुजुर्ग महिला जैसी लग रही थी। वह कोई 85 से 90 साल की औरत को जानती हूँ इस तरह से नजर आ रही थी। मेरी शादी हुई थी, तब मुझे मुंह दिखाई देने आई थी, तब मैंने उनको पहली बार देखा था। मेरी शादी के 1 साल बाद उनकी डेथ हो गई थी, यानी मौत हो गई थी। वह हमारे घर की मेंबर भी नहीं थी, बस हम उन्हें जानते थे। पाठ के टाइम वही मेरे पास आकर के बैठी हुई मुझे नजर आई। मैंने उनको देखा तो मैं डर गई और पूजा स्थान से उठकर अपने कमरे में चली गई। यह सारी बात मैंने अपने पति को बताई। उन्होंने कहा माता रानी होंगी, तू डर मत। फिर मैं जैसे तैसे सो गई। अगले दिन किचन में काम कर रही थी, आटा गूंथ रही थी, तभी अचानक वह औरत मेरे पास आकर खड़ी हो गई और मैं फिर से डर गई। मेरे मन में सवाल चलने लगे कि यह औरत कौन है, अगर अच्छी आत्मा है तो कैसे पहचानूं, अगर बुरी आत्मा है तो भी कैसे पहचानूं। आपको बता दूं गुरुजी, मेरे घर में भूत प्रेत थे जो कि बच्चों को दिखते थे, हमें उनकी आवाज़ें भी आती थी कभी, मगर भयंकर जानवरों की तरह उनकी आवाज़ें सुनाई पड़ती थी, जैसे पुरानी पिक्चरों वगैरह में दिखाया जाता है। वैसे ही भयानक आवाज़ें भूत प्रेतों की लगभग 11 बजे से 11:30 बजे के बीच में, यानी 30 मिनट पर आती थी। और गली के नुक्कड़ पर 8 से 10 कुत्ते रहते थे जो रोज़ जोर से चिल्लाने लगते थे। 11 बज गए और 11:35 पर कोई घुंघरुओं की छमछम की आवाज़ भी हमारे यहाँ आती थी। मुझे नींद नहीं आती थी, इसलिए मैं रात रात भर जागती थी। मैं सुनती थी घुंघरुओं की और इग्नोर कर देती थी। ऐसे चलता रहा। एक दिन मैं माता रानी के मंदिर में आरती के टाइम गई तो बुजुर्ग औरत मुझे फिर से दिखाई दी। उन्हीं का बनाया हुआ वह मंदिर था जिसमें लोग पूजा करने आते हैं। उसी मंदिर में मैं आरती के टाइम आंखें बंद करके घंटी बजा रही थी, ठीक माता जी के सामने वो खड़ी थी। मैं जैसे ही मैंने आंखें खोली, वही औरत उनके पति दोनों साइड में खड़े थे। उनके पति ने सफ़ेद कुर्ता पैजामा और सफ़ेद रंग का कपड़ा अपने सिर पर बांध रखा था। फिर मैं डर गई। और आपको बता दूं गुरुजी, उनके पति की डेथ 25 से 30 साल पहले ही हो चुकी थी। वह उस मंदिर में रहते थे। मरने के बाद सभी लोग कहते थे कि इनकी आत्मा इस मंदिर में है, क्योंकि पुजारी लाइट बंद करके चला जाता था, उनके कमरे की सुबह बहुत जल्दी जो है मिलती थी साफ़ सफाई। और उसके बाद मुझे वह औरत नहीं दिखी।
बीच बीच में एक बात और भी हुई थी कि मैं एक दिन शिवालय को साफ कर रही थी तो शिवालय का बहुत ही बुरा हाल था और बदबू आ रही थी। उसमें मैंने सोचा कि भगवान की सेवा है तो इसको साफ कर देती हूँ इसे। वही औरत फिर से मुझे आभासी रूप में नजर आई। मेरे पीछे वही औरत खड़ी थी। मैंने पीछे मुड़कर नहीं देखा और उनको यह बोल दिया कि ठीक से साफ कर रही हूँ। उनको मंदिर बहुत प्रिय था। यह तो मुझे उस औरत के बारे में पूछना है, इसलिए मैंने आपको यह औरत के बारे में बताया। मुझे नहीं पता कि वह औरत मुझे नुकसान दे रही थी या मेरी रक्षा कर रही थी। अभी कुछ दिन पहले ही मेरी बेटी को सपना आया कि वह औरत उनसे कह रही है कि तुम्हारे ऊपर वाले हॉस्टल में रहती हूँ और मुझे मत निकालो। वही औरत थी, क्योंकि मेरी बेटी का ने जो हुलिया बताया है वैसे ही था। अब मैं आपको एक बात शुरू से बताती हूँ कि 8 साल पहले किसी औरत का लव अफेयर चल रहा था। मुझे लगा उसके बच्चे और उसके पति की ज़िंदगी ख़राब हो जाएगी, तो मैंने उसको पकड़ लिया और उसके बाद वह मुझसे दुश्मनी रखने लगी। उसने पहली बार मुझ पर उच्चाटन करवाया। मैं आपको बता दूं, वह मेरे घर की मेंबर थी, नाम नहीं बताना चाहती। जब मैं वहाँ गई तो मेरा मन बहुत घबरा गया। मुझे वहाँ रात रुकना था। इतनी घबराहट थी कि सर्दी में भी छत पर जाकर सोई और बड़ी मुश्किल से रात गुजारी। सुबह होते ही मैं अपने घर चली आई। मुझे पता लग गया था कि मुझ पर कुछ वो करवा रही है। उसके बाद मुझे बच्चा हुआ, जो कि अचानक ही डॉक्टर ने ऑपरेशन बता दिया। पहले नॉर्मल डिलीवरी की बात कर रहे थे, लेकिन अचानक डॉक्टर ने ऑपरेशन को बोल दिया। ऑपरेशन के लिए मेरे पति ने मना ही कर दी, क्योंकि डॉक्टर ने कहा फिर बच्चा नहीं बचेगा। जब मेरा ऑपरेशन हुआ तो उस टाइम भी डॉक्टरों से कुछ गलती हो गई, जिससे कि मैं एक बार मरते मरते बच चुकी हूँ। उसके बाद पता नहीं कैसे मैं ठीक हो गई और मुझे मेरे दिमाग में यही बात चल रही थी कि मुझ पर कोई तांत्रिक क्रिया की गई। उसके बाद मुझे दूसरा बच्चा होने वाला था। मैंने शुरू से ही डॉक्टर से इलाज करवाया था। इलाज के बाद भी जब मेरा ऑपरेशन हुआ तो डॉक्टर से फिर गलती हुई, और गलती इतनी ख़तरनाक थी कि मेरे पूरे शरीर में जहर फैल गया और मैं 20 दिनों तक हॉस्पिटल में एडमिट रही। डॉक्टरों ने जवाब दे दिया था, कहते हैं इनको कहीं और ले जाओ। उनसे ही ऑपरेशन करवाया था तो कहीं और नहीं ले जा सकते थे। फिर पता नहीं उन्होंने तुक्के से इलाज किया और मैं ठीक होने लगी। अभी तक मुझे प्रॉब्लम है और अभी तक मैं बीमार ही चल रही हूँ, पर आए दिन कुछ ना कुछ नई बीमारी मुझे लगी रहती है। जब मेरा ऑपरेशन हुआ उसके बाद मैंने माता रानी का पाठ शुरू कर दिया और 5 साल हो गए मेरे ऑपरेशन को। पहले मुझे भूत प्रेत दिखते थे, लेकिन अब मुझे दिखते नहीं हैं। बस घर में छमछम की आवाज़ें आती हैं, और जब किसी घर के मैंने बात की तो उसमें भूत प्रेत थे। मुझे रोज़ पायलों की आवाज़ सुनाई पड़ती थी। एक दिन मैंने अपने पति से कहा कि मुझे आवाज़ सुनाई पड़ती है, बच्चों को भी सुनाई पड़ती है। पति ने कहा जब मुझे नहीं सुनाई पड़ती तो मैं क्यों मानूं। उस दिन मुझे बहुत गुस्सा आया, क्योंकि मैं 3 साल से यह सब झेल रही थी। पति ने मेरी बात एक दिन भी नहीं मानी। जिस दिन उन्होंने यह बात कही मुझे नहीं सुनती तो मैं क्यों मानूं। उस दिन मैंने माता रानी से कहा, माता रानी अगर आप तुम हो तो आज इन्हें भी सुनवा दो। आज रात को वही टाइम हुआ, 11:15। पति कहने लगे मुझे नींद आ रही है। मैंने टाइम देखा, कहा 15 मिनट और जाग लो। वह नहीं माने और सोने लगे, पर उनको नींद नहीं आई। इतने में 11:30 कुत्ते भौंकने की आवाज़ें आने लगी। मैंने इनको धीरे से कहा, देखना अब 5 मिनट बाद घुंघरुओं की आवाज़ें आएंगी। मैंने पंखा कूलर सब बंद कर दिया और दरवाजे के साथ मैं जो है काम पे लग गई। हम दोनों 5 मिनट बाद इतनी तेज़ घुंघरुओं की आवाज़ आई, इतनी तेज़ तो पहले कभी नहीं आई थी। जब पति ने यह आवाज़ सुनी तो उनकी आँखें बाहर निकल आई और शरीर ठंडा पड़ने लगा। मैंने उनसे कहा धीरे से लेट जाओ। पति ने पूछा ऐसा क्यों कहा। मैंने कहा दो दरवाजे पार करके अंदर आ सकती है, वह हमारे कमरे के अंदर भी आ सकती है। अगले ही दिन हमने मकान छोड़ने का फैसला कर लिया। हमने जैसे ही मकान खाली किया, हमारा एसी उस घर में लगा हुआ था, गर्मी बहुत थी, तो हम उस घर में दोपहर को सोने चले गए। सारे बच्चे सो गए, मैं और अपने मेरे पति और मेरी बेटी तीनों जाग रहे थे। बेटी ने पानी पीने बाहर जाना था। जैसे ही दरवाज़ा खोलने लगी तो दरवाजे के बाहर किसी ने कुंडी लगा दी। हम कमरे में बंद हो गए। हमें कमरे में किसी ने बंद कर दिया, जबकि घर का मेन गेट बंद था। उसके बाद मेरे पति ने खिड़की से बाहर जाकर गेट खोला। हमारा घर पूरी तरह से बंद है, कोई बाहर का इंसान अंदर नहीं आ सकता, बिल्कुल डब्बी की तरह बंद। फिर हम वहां से चले गए। जिस रात घुंघरुओं की आवाज़ पति ने भी सुनी थी, उस रात हम पूरी रात नहीं सो सके। कभी सामान टूटने की आवाज़ आ रही थी तो कभी घुंघरुओं की छमछम, जैसे कोई इधर से उधर भाग रहा हो। घुंघरू पहनकर कभी कोई फर्नीचर सरक रहा है, ऐसी आवाज़ें आ रही थी। बच्चों को तो कई बार दिखता था कि मैले से कपड़ों वाला आदमी जो माता रानी की मूर्ति को घूर रहा था। जब बच्चों ने मुझे बताया कि यहाँ मम्मी
कोई आत्माएं हैं, तो मैंने बच्चों से कहा इग्नोर कर दो। उसके बाद बच्चों ने इग्नोर करना शुरू कर दिया। एक दिन मैं उसी औरत को आंख बंद करके याद करने लगी तो बैठे बैठे मेरी धड़कन तेज हो गई, जैसे मानो मेरे शरीर को कोई चीज़ छू रही हो, कर गई हो। हमारे घर में दिन ढलने पर सफ़ेद कुर्ते पैजामे वाले आदमी आता था। अच्छी आत्मा थी या नहीं, मुझे बुरी थी मुझे नहीं पता, फीलिंग मुझे बुरी आत्मा वाली आती थी। एक दिन बेटी खाना बना रही थी तो बेटी ने मुझसे कहा कि कोई सफ़ेद कुर्ते पैजामे वाला व्यक्ति आता है घर में। फिर बेटी ने दो चार दिन बाद दोबारा देखा, उसके बाद मुझे लगा कि मुझे देखना चाहिए कौन है। तो मैं कुर्सी लेने गई और मैं गेट पर आज नज़र रखूंगी और देखूंगी कि कौन आता है। जैसे ही मैं कुर्सी लेकर आने लगी तो पीछे से किसी काले से साये ने आकर मुझे डरा दिया। अब मैं आपसे यह पूछना चाहती हूँ कि वह औरत कौन थी, माता थी, कोई योगिनी थी या कोई बुरी आत्मा थी? अभी वह हमारे छत के ऊपर वाले पोर्शन में है, जबकि हमने हनुमान जी को सिद्ध किए हुए मंत्र से पूरे घर में छींटे दिए। उसी रात को बेटी को यह सपना आया था कि मैं तुम्हारे ऊपर वाले क्षण में पोर्शन में रहती हूँ, मुझे मत निकालो, यह घर दूसरा है, वह नहीं है जिससे बहुत सारे भूत प्रेत थे। अब इस घर में छमछम की आवाज़ें आती हैं, जब से हमने हनुमान जी के मंत्र से घर में छींटे दिए हैं तब से आवाज़ें तो आनी बंद हो गई हैं। पहले तो सामान गिरने की भी आवाज़ आती थी, लेकिन अभी शांति है। तो मुझे पूछना है कि क्या माता रानी मेरे साथ हैं? मुझे तो यकीन है कि माता रानी मेरे साथ हैं, मैंने कभी किसी का बुरा नहीं किया। जो औरत मुझ पर तांत्रिक क्रिया करवा रही है उसने मुझ पर भूत प्रेत भी छुड़वाए थे, लेकिन माता रानी की कृपा से मैं पाठ करती हूँ। माता रानी के तो वह सारी चीज़ें उसी के को जाकर परेशान करने लगी, अब वह कोई और वगैरह करती हैं तो वह चीज़ें हमारे यहाँ आ जाती हैं। अब मैं पाठ करती हूँ तो वह वहाँ चली जाती हैं जब हमें कोई नुकसान नहीं पहुँचा पाती, क्योंकि माता रानी हमेशा ही रक्षा कर रही हैं। अब मैं 2 साल से नॉट को छोड़ रखा है, बहुत कोशिश करती हूँ, पाठ शुरू नहीं कर पा रहे हैं। जब भी सोचती हूँ पाठ शुरू करूँगी तो मेरी तबीयत ख़राब हो जाती है। मुझे कोई उपाय बताइए जिससे कि मैं दोबारा से पाठ शुरू कर सकूँ। माता रानी की मुझ पर कृपा भी, अब मैं दुर्गा स्तुति कर रही हूँ पर शुरू हो एक दिन हो जाते हैं तो फिर कई दिन कर पाती हूँ, करके मेरा कृपया करके मेरा मार्गदर्शन कीजिए। एक बात और गुरुजी, मुझे नवरात्रों में आभास हुआ कि माता रानी मुझे यहाँ से दूर जाने के लिए कहा, और जैसे उनका आभास मुझे हुआ लगा कि माता रानी को बांध दिया है। माता रानी को मैंने बहुत मुश्किल से बनाया, हाथ पर कपूर जलाकर रो रो कर बनाया है। तब माता रानी घूमती हुई थी, बोली तू यहाँ से दूर चली जा। आप मुझे बताइए कि क्या माता रानी को कोई तांत्रिक अपने वश में कर सकता है? तो ये है इनका अनुभव। इसमें देखिए 2-3 बातें समझ में आई हैं। पहली बात तो ये कि ये कुछ लोगों को ऐसी विद्या हो होती है प्राप्त पूर्व जन्म से कि वो भूत प्रेतों को देख सकते हैं, तो हो सकता है इनको भी पूर्व जन्म से ये चीज़ इनके साथ चली आ रही हो। दूसरी बात है कि माता के जो दुर्गा कवच है, अर्गला है, कीलक है, इन तीनों का जो पाठ है इसको ये 3 टाइम करती थी, हालांकि 3 संध्या करती थी, और उसकी वजह से इनके अंदर वो शक्तियाँ आ गईं तो इन शक्तियों को देखने के लायक बन गई, और ये ऐसा भी होता भी है। लेकिन चूँकि संपर्कीय सूत्रों से या जो विभिन्न प्रकार की साधनाओं से हम चीज़ें सीख नहीं पाते हैं, कि जब तक हमारे पास गुरु नहीं होगा तो हम तांत्रिक विद्याओं को नहीं सीख पाते हैं, तो हमारे साथ अचरज चीज़ें हो जाती हैं, तो हम समझ नहीं पाते हैं ये हो क्यों रहा है। तो उसकी मूल वजह यही कि आपने दुर्गा सप्तशती को जो है किसी गुरु से प्राप्त नहीं किया है, इस वजह से भी आप रहस्यों को नहीं जान पा रहे हैं। अब रही बात की समस्या होने की, तो देखिए कोई आपके ऊपर कुछ भी करेगा आपको कोई नुकसान नहीं होने वाला। पहली बात तो मन में धारण कर लीजिए, क्योंकि अगर आप पूजा पाठ सही ढंग से करती हैं, सही ढंग से माता की पूजा करती हैं, तो आपको कोई नुकसान नहीं होने वाला। दूसरी बात, जो भी नियमावली से आप पूजा पाठ करती हैं वो नियमावली को कभी बदलना नहीं चाहिए, अगर आप उसमें बदलेंगे तो आपके लिए फिर नुकसानदायक हो सकता है। और कई चीज़ें ऐसी होती हैं जो सिर्फ गुरु ही बताता है और बाकी चीज़ें छोड़नी पड़ती हैं, नहीं बतानी पड़ती, तो वो भी आपके साथ समस्या है। तो ये सब चीज़ों को जानकर ही आपको इन चीज़ों से भयभीत हुए बिना कार्य करना चाहिए। रही बात आपकी कि आप जो कह रही हैं कि माता रानी को कोई बांध सकता है, नहीं भाई कोई नहीं बांध सकता है, ये सब चीज़ें आपका भ्रम है। हाँ, वहाँ पर ऐसी प्रेत लीला हो जाती हैं कि जिसकी वजह से आपको ऐसा लगता है कि ये चीज़ें हो रही हैं, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं होता है। ज़्यादातर लोगों को मैंने देखा है निर्वाण मंत्र और सिद्ध कुंजिका स्त्रोत का जो पूरा मंत्र है उसको पढ़ने की वजह से भूत प्रेतों और पुराने पूर्वजों का दिखाई देना, बहुत लोगों को ये अनुभव होता है।
तो इससे आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, बल्कि उनके साथ रहने का अभ्यस्त होना आपको जरूरी है। वो शक्तियाँ आपकी मदद ही करेंगी, आपका नुकसान नहीं करेंगी, लेकिन विधि विधान से ही पूजा कीजिए। तो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है विधि विधान से पूजा किया जाना आपके द्वारा, और जो भी संकेत या समाधान आपको मिलता है उसके अनुसार कार्य करें। और ये जरूर जान लीजिए कि क्या उसकी सामर्थ्य है सामने वाली शक्ति की, कहीं ऐसा तो नहीं आपको बेवकूफ़ बना रही। कभी किसी मकान को छोड़कर भाग जाने को आपकी माता जी नहीं कह सकती, माता इतनी शक्तिशाली है कि वो पूरे ब्रह्मांड को अपने नियंत्रण में रख सकती, तो कोई तांत्रिक भला उनका क्या कुछ कर पाएगा। तो हर चीज़ को समझिए और ध्यानपूर्वक माता की साधना कीजिए और विधि विधान से कीजिए, कोई गलती उसमें मत कीजिए, तभी आपको फायदा होगा। तो अगर आपको ये जानकारी और कहानी इनकी पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आपका दिन मंगलमय हो। धन्यवाद।